नमस्ते दोस्तों, आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होगे, सिंगापुर में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी और वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, हमारे यूनियन टेरिटरी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ऑफ केजरीवाल के द्वारा ट्वीट कर दी गई थी और इसी के साथ में ही कुछ मीडिया हाउसेस के द्वारा, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा आर्टिकल छापे गए थे और मैंने आपके सामने एक वीडियो बना के लेके आया था। ये ट्विटर हैंडल अकाउंट आप लोग देख पा रहे होंगे, सिंगापुर इंडिया, और ट्विटर के ये इसके नीचे लिखा है, देयर इज ए नो ट्रूथ इन द असर्टेन दैट देयर इज ए न्यू कोविड-19 स्ट्रेन। इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि कोई भी यहाँ पे सत्य नहीं है कि जो सिंगापुर के अंदर जो न्यू कोविड-19 का जो स्ट्रेन मिला ना उसके बारे में कोई नहीं है। फाइनली दोस्तों इनके द्वारा ये बोल दिया गया है कि फाइलोजेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद में यहाँ के जो कोरोना वायरस के जो कोविड-19 के जो वेरियंट मिला है ना वो पुराने वाला ही मिला है, जैसे कि B.1.617.2 ये जो वेरिएंट मिला है ना इसके ही कोरोना केस आ रहे हैं ना, यही वो वेरिएंट है। आप लोगों को मैं ऑफिशियल साइट पे ले जाता हूँ जो सिंगापुर के द्वारा जारी की गई है। इसी के साथ में आप लोग नीचे अरविंद केजरीवाल का जो ट्वीट देख पा रहे होगे, मैंने कल इसी ट्वीट आप लोगों को बताया था। अब चलते हैं अपनी ऑफिशियल साइट पर, यह है सिंगापुर की ऑफिशियल साइट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, नीचे आप लोग देख पा रहे होगे MOH का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रिप्लाई इन रेस्पॉन्स टू मीडिया क्वेरीज ऑन रिपोर्ट ऑफ न्यू वेरिएंट इन सिंगापुर। इनके द्वारा जो लिखा गया है कि मीडिया के द्वारा जो क्वेरीज की जा रही है सिंगापुर के अंदर नया वेरिएंट मिला उसके बारे में, के अंदर नीचे इन्होंने के अंदर नोटिस डाला है और ये नोटिस आया था आज है 19 मई और 18 मई को, ये रात को नोटिस आया था। इनके द्वारा लिखा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रेफर टू, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट दी गई है। बाकायदा मैं आप लोगों को स्टेटमेंट के अंदर बता दूं इन्होंने स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा है। स्टेटमेंट के अंदर इन्होंने ये लिखा है कि कुछ मीडिया हाउस के द्वारा, नाम भी लिया गया है हिंदुस्तान टाइम्स और इसी के साथ में ही चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली के जो कौन है केजरीवाल के द्वारा ट्वीट किया गया और ये बताया गया है कि हमने फाइलोजेनेटिक टेस्टिंग करने के बाद में जो कोरोना के केसेज हमारे जो वेरिएंट के कारण आ रहे हैं ना उसका नाम है B.1.617.2, इस वेरिएंट के कारण आ रहे हैं और पिछले ये कोई नया वेरिएंट नहीं है। इनके द्वारा सीधा सीधा ऑफिशियल साइट पे जाके नोटिस जारी करके डाल दिया गया है। अब आपको ये पता लग गया होगा कि सिंगापुर के अंदर जो कोरोना वायरस का अलग अलग मीडिया हाउस के द्वारा तेज बोल के जा रहा है कि नया कोविड-19 का मिला, ये मिला, वो मिला, कोई भी कोविड-19 का बड़ा वेरिएंट कुछ भी नहीं मिला है, ये सिर्फ उसी वेरिएंट है और उसके ऊपर इन्होंने टेस्टिंग करके बताई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आई होप आपको समझ में आ गया। दोस्तों ऐसी ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है और आपको ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो देखनी है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना बेहद ख्याल रखें।